अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है मेरे नए चैनल पे, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप कलेक्शन, मेकअप रेंज, अपना मेकअप प्रोडक्ट्स। मेरे पास ज़्यादा तो कुछ कॉस्मेटिक्स है नहीं, ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स है नहीं, मेरे पास बहुत कम प्रोडक्ट है मेकअप के। और जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लड़कियों के पास होता है, मेरे पास भी वही सब है। बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है मेकअप में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ओके? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे पास आई मेकअप के लिए कौन से तरीके के काजल और लाइनर है, ओके? तो देखिए मेरे पास है ना इतनी सारे काजल लाइनर है, मैं बताती हूँ लाइन से आप लोगों को। हो सकेगा तो मैं काजल की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैंने आज काजल भी लगाया है ना, जो ये NYV का काजल लगाया, और लाइनर मैंने लगाया बैड एस काजल, बैड एस लाइनर ब्लैक वाला, ये देखिए ये वाला। और आज मैंने ना मस्करा नहीं लगाया, मस्करे की जगह पे भी मैंने यही अप्लाई किया है। इसका टिप की वजह से है ना मस्करे की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, ये देखिए इतना थिन है, ऐसे ही लग जाता है। मैंने कैसे लगाया मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इससे दो काम हो जाते हैं, पता है, मस्करे का भी और लाइनर का भी। एक्चुअली मैंने कल लगाया था ना जब ये, तो लाइनर भी और इससे जो मस्करा लगाया वो, ये एक्चुअली वाटरप्रूफ है ना, तो वो दूसरे दिन भी जब मैं मुंह धो रही थी ना तो नहीं निकल रहा था आईलैशेस से ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, तो आप लोग बाय कर सकते हैं बैड एस लाइनर SQ का लिंक मैं दे दूंगी। जो भी प्रोडक्ट के लिंक अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोगों को बाय करना है तो कर लेना। बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं पर्पल पे, बहुत अच्छे गणपति का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप चेक कर लेना, एक बार लेना हो तो ले सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को लाइनर बताया, मेरे पास बैड एस लाइनर मैंने बताया, वैसे बैड एस काजल भी है ब्लैक वाला। तो काजल में ये है और NYV का काजल है। काजल में बहुत सारे कलेक्शन है मेरे पास, मैक का काजल है, सेकेंड कॉपी आई थिंक, ये ओरिजिनल नहीं है, सेकेंड कॉपी है। ये जो भी चीजें मैंने लोकल मार्केट से ली है उसके लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकूंगी, जो मैंने ऑनलाइन बाय किया है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके लिंक मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैक का एक काजल है, एक SQ का काजल है, एक NYV का काजल है। तो ये हो गया, और एक कोलोसिल काजल भी था, वो भी दिख नहीं रहा है, कोलोसिल भी है मेरे पास। और लाइनर में मेरे पास काजल में और एक क्या है, NYV का ये ब्लू वाला काजल, ये वाला है ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये, मैंने बाय किया था, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए हुए खुद से अपनी पसंद से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एक वो वाला हो गया, और एक ये आईब्रो पेंसिल है, ये भी NYV की है आईब्रो पेंसिल। ज्यादा करके प्रोडक्ट मेरे पास NYV और SQ के ही है, मैं पर्पल से ही ज्यादा मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ, तो मेरे पास वहां के ही प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और ये एक काजल है जो कि है लैक्मे का, ये बहुत चलता था पहले हम लोग स्कूल कॉलेजेस में, जब से हमने स्टार्ट किया लगाना तब से मैंने यही लगाया। इसमें एक दिक्कत यही आ जाती है कि इसको शार्प करना मुश्किल हो जाता था, तो मैंने इसके लिए शार्पनर भी खरीदा है, ये देखिए। तो ये शार्पनर है ना मल्टीटास्किंग हो गया, अभी मेरे लिपस्टिक वगैरह के लिए भी काम आ जाता है, लिपस्टिक के लिए भी। इसमें दो तरीके के वो दिए हुए, एक बड़ा और एक छोटा, ये SQ का ही है, SQ से ही बाय किया है मैंने ये शार्पनर भी, ठीक है, तो ऐसा है। और लाइनर में मैंने अभी तक ये ओपन भी नहीं किया, ये NYV का लाइनर है, इसका तो मैंने खोल के चेक भी नहीं किया टिप कैसा है, जब मैं खोलूंगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अभी तक ये खोला नहीं, बताओ 2 महीना हो गया मुझे मंगा के, तो ऐसा है। फिर उसके बाद ये लोकल मार्केट के काजल है, ये लोकल मार्केट का काजल है, ठीक है, तो इसका मैं नहीं दे सकती लिंक आपको। ये लिप लाइनर है, ये भी लोकल मार्केट के लिप लाइनर है, ये कभी कभी मैं यूज कर लेती हूँ तो इसलिए मैंने लेके रख लिया था। और काजल में मेरे पास ये भी है, एक म्यूजिक फ्लावर का काजल और लाइनर, एक ब्लैक शेड है, ये ब्राउन है, ये आईब्रो वगैरह फिल करने के काम आ जाता है ब्राउन वाला। और ये वाला जो है ये ब्लैक वाला है, तो ये भी मैंने लिया था, इसके साथ ये 2 ब्रशेस आए थे, ये आईब्रो के लिए आए थे, ये एंगुलर ब्रश होता है ना जो ये दिख रहे थे, ये आईब्रो के लिए होता है, और इससे आप काजल अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा है। मेरे पास काजल और लाइनर का बहुत ज्यादा स्टॉक भरा पड़ा हुआ है। और
तो देखिए मैंने बोला ना आप लोगों को मेरे पास लैक्मे का आइकॉनिक काजल भी है, तो ये देखिए लैक्मे का आइकॉनिक काजल। तो मैं बस काजल की रेंज में ना आपको NY भी मिलेगा, लैक्मे मिलेगा और SQ मिलेगा। एक्चुअली मैं काजल की शौकीन हूँ, मतलब आई मेकअप की शौकीन हूँ ना, तो मेरे पास ज्यादा करके आई मेकअप के प्रोडक्ट मिलेंगे। बेस मेकअप का मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, फेस मेकअप बेस मेकअप ये ज्यादा मेरे पास सामान नहीं है। तो चलिए अभी आगे बढ़ती हूँ मैं लिपस्टिक की तरफ। काजल तो मैंने बता दिया, अब मैं लिपस्टिक बता देती हूँ आप लोगों को। तो लिपस्टिक में है, सबसे पहले मैंने ये कलर डिवा के सेट मंगाए थे, ये कलर डिवा के दिख रहा है ना डार्क कलर दिखा, कलर डिवा के ये मैंने शायद से अमेजोन से मंगाया था, आई थिंक मैंने ये अमेजोन से मंगाया था शायद से। ये 6 आए थे, तो एक रेड कलर था, प्रॉपर रेड कलर, वो उठा के मैंने अपनी अम्मी को दे दिया, मुझे प्रॉपर रेड कलर मुझ पे सूट नहीं करते इसलिए। और लिप पेंसिल के साथ ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी शाइनी तरीके की लिपस्टिक है, मैट जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है, मैट नहीं है, ये थोड़ा शाइनी सी होती है। देखिए ग्लॉसी लिपस्टिक बोलते हैं ना जिसको, ग्लॉसी ऐसा ठीक है, तो ऐसा। और इसके बाद और लिपस्टिक है मेरे पास जो मैंने लोकल मार्केट से लिया है, मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी और ये भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसको लेके काफी टाइम हो गया है, मुझे चेक करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर कोई भी चीज का लिंक चाहिए ना स्पेसिफिक, तो आप लोग मुझे बता देना, मैं ढूंढ के आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। ये भी लोकल मार्केट की है, बट ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पता नहीं 3-3 दिन तक की लिपस्टिक निकलती नहीं है, बताओ। ये वाली इसका शेड देखो, मैच ही शेड है, ज्यादा करके सेम टू सेम शेड है मेरे पास, तो ऐसा एक ये है। और लिपस्टिक में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे पास अभी फिलहाल में ना लिपस्टिक सबसे बेस्ट अगर मेरे पास कोई है तो वो ये है SQ की, लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम। इसके 6 शेड है मेरे पास, ये मुझे इसलिए अच्छी लगी ना क्योंकि ड्राई लिपस्टिक जो है ना लिक्विड लिपस्टिक में जल्दी लगाती नहीं है, लेकिन ये मैंने जब लगाया ना तो मुझे लगा ये लगाने जैसी भी है। और प्लस क्या ना इसका बेनिफिट ये है ना कि ये लगाने के बाद 2 ही मिनट सिर्फ ड्राई रहती है, और उसके बाद है ना फिर नॉर्मल डे पूरा दिन ऐसा लगता ही नहीं कि आपने लिप पे कुछ भी लगाया, कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ लगाया। और इतना लाइट वेट है ना, नहीं तो दूसरी कोई भी मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा से थोप लिया यहाँ पे तो ऐसा है। और ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, एवरीथिंग। हाँ थोड़ा ऑयली खाना अगर आप खाते हो तो यहाँ से ये निकल जाती है, जो है सो है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें भी 6 तरह के शेड है, तो मैं इसकी सारे की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है पर्पल पे 1 तारीख से 3 तारीख तक के, मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो डालने में, अगर आप लोग बाय करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्पल के सारे प्रोडक्ट्स की मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, ताकि आप लोग भी जो चीज काफी टाइम से बाय करना चाह रहे थे वो आपको ऑफर में मिल जाए, ठीक है। तो ये लिपस्टिक मैंने बता दी, और एक ये NYB का क्रियोन है जो मैंने अभी अप्लाई किया है। मोस्टली मैं ये अप्लाई करती हूँ, लेकिन अभी शार्पनर भी नहीं किया है मैंने, इसको ऐसे ही रखा हुआ, ये अभी भी मैंने यही लगाया है देख रहे हो ना इसकी हालत है ना, ये मेरी बेटी ने की एक्चुअली, उसके हाथ में चले आती है ना उसकी फेवरेट हो गई है, तो ऐसा। तो ये भी इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये हो गया, मैंने लिपस्टिक बता दिया आप लोगों को। और आंखों का कुछ सामान रह गया है मेरे पास, एक ये लैक्मे का लाइनर भी है जो हम बचपन से, जैसे मैंने आप लोगों को काजल बताया ना लैक्मे का, वैसे ही लाइनर भी है। काजल और लाइनर मैं कॉलेज टाइम से ना लैक्मे का ही यूज करती थी, कॉलेज में थी ना तभी मैं लैक्मे के अलावा और कोई ब्रांड सुनी भी नहीं थी शायद से मैंने, तभी तो मैं यही यूज करती थी और आज भी मैं इसको रखती हूँ एक बैकअप के तौर पर, जब कुछ नहीं तो यही सही है, तो ऐसा है। और हाँ मैं सुरमा लगाती हूँ, सुरमा अभी तो फिलहाल मैंने आंखों में, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे काजल लगाया SQ का और लाइनर नहीं काजल लगाया NYB का, लाइनर लगाया SQ का, लिपस्टिक लगाई है NYB की। और लेकिन मेरे पास ये एक हाशमी सुरमा ये मेरा फेवरेट सुरमा है, सुरमों में सबसे फेवरेट सुरमा ये है हाशमी सुरमा, जो ना आंखों को 2 दिन तक के काला रखता है, ठंडक नहीं पहुंचाता हाँ लेकिन काला रखता है, अच्छा लगता है उससे, एक लुक अच्छा आ जाता है। तो ये हो गया मेरा आई मेकअप और लिप मेकअप का मैंने बता दी। अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी फेस मेकअप के लिए मेरे पास क्या क्या है। फेस मेकअप के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला मेरे पास कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरे पास है सबसे पहले ये NYB की CC क्रीम, ये सब मैंने ऑफर में बाय की थी, CC क्रीम है NYB की, बहुत अच्छी लगी मुझे ये भी।
ये हाथों से अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, इसके लिए कोई स्पंज वगैरह की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि नॉर्मली कोई क्रीम लेते हैं ना, फेस क्रीम जैसे अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही अप्लाई कर लोगे तो अच्छा है। और अभी फिलहाल मेरे फेस पे जो बेस मेकअप है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने अप्लाई किया NYB का बीबी क्रीम, ये वाला। इसको जरा सा इतना सी लेकर अगर मैं अप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे फेस पे अच्छा खासा ग्लो आ जाता है। तो ऐसा ही NYB का बीबी क्रीम है, तो मैं इसके भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये NYB का प्राइमर है, अभी तो फिलहाल खैर मैंने ये नहीं लगाया है क्योंकि बीबी क्रीम जब भी मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे इतने खासे पोर्स ओपन नहीं है। प्राइमर है ना, पोर्स जिसके ओपन होते हैं ना उसके लिए बहुत बेस्ट होता है, ताकि वो लगाए तो थोड़े पोर्स क्लोज लगे और जो भी प्रोडक्ट है उसका केमिकल अंदर ना जा सके, तो प्राइमर वो चीज को लॉक करता है। तो ऐसा है। और फाउंडेशन में मैं यूज करती हूँ, मेरे पास अभी फिलहाल एक ही तरीके का फाउंडेशन है। अभी फिलहाल मैं जब भी मेकअप करती हूँ कहीं बाहर जाने के लिए तो मैं यही फाउंडेशन लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। डेली लगाऊंगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये बीबी क्रीम और सीसी क्रीम लगाती हूँ। फाउंडेशन ये है, मैक का फाउंडेशन है, दिख रहा है ना क्लियर, बट ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि मैच मास्टर फाउंडेशन है SPF 15। ये ओरिजिनल नहीं है, मुझसे ये किसी ने पूछा भी था वो चैनल पे, इंडियन ब्लॉगर पे, कि ये ओरिजिनल है, तो जी नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ये सेकंड कॉपी है। ठीक है, तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदा था, तो इसकी भी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। और दूसरा ये गुड वाइब का रोज हिप सीरम, जो आप लोग इतने दिन से मुझे वो चैनल पे भी बोल रहे थे कि नाजिया इसका लिंक दे दो, मैंने इसका कई बार नाम भी बताया आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिक्कत आ रही थी शायद से बाय करने में। ये तो मेरा खत्म हो गया है, मैंने वापस से ऑर्डर किया है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका भी लिंक दे देती हूँ। वो नहीं क्या, मैं लगाती हूँ रोज हिप सीरम, ये लगाने से ना फेस पे एक अलग ही शाइन आती है, अलग ही शाइन। प्राइमर की जगह मैं यही लगाती हूँ मोस्टली, तो इसलिए। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। और रही बात मैं कंसीलर कौन सा यूज करती हूँ, कंसीलर भी मेरे पास सिर्फ एक है अभी, मैंने और कंसीलर बाय नहीं किया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि मुझे आई मेकअप में ज्यादा इंटरेस्ट है, बेस मेकअप के लिए अभी मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं लिया, तो मेरे पास ये कंसीलर भी एक ही है। ये है NYB का कंसीलर, ये देखिए इसमें अलग अलग तरह के शेड आते हैं, कोई लाइट है कोई डार्क है, इसका कलर करेक्टर भी मिल जाएगा इसमें आपको। तो देखिए ये कुछ ऐसा पेनस्टिक जैसा आता है, देखिए ऐसा, तो ये मेरे स्किन से थोड़ा एक शेड लाइट है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था। मैं कभी कभी इसी से कंसील करती हूँ अपने आई शेडो के लिए, ये तो अच्छे से काम चल जाता है मेरा, कभी कभी फाउंडेशन जैसा भी यूज कर लेती हूँ तो ऐसा। और उसके बाद फिर मेरे पास आता है हाईलाइटर, जो मैंने अभी रिसेंटली मंगाया है अमेजोन से, मैंने हाईलाइटर मंगाया जैसे बताया ना शिवाना का, ये तो अभी फिलहाल मेरे फेस पे शिवाना का हाईलाइटर आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, देखिए चमक रहा है। ये देखिए ये मैंने अमेजोन से मंगाया, ये मैंने पर्पल से नहीं मंगाया, मैंने अमेजोन से मंगाया क्योंकि मुझे वहां से ना ये ब्रशेस मंगाने के थे ना ये वाले, तो ये 499 का लोगे तो फ्री शिपिंग है, तो उसके लिए मुझे ये बाय करना पड़ा था, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसका अगर रिव्यू आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं स्पेशली इस पे रिव्यू करूंगी। अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट बताया उसमें से अगर किसी पे भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आपको डिटेल में रिव्यू चाहिए तो आप लोग मुझे बोलना, मैं जरूर बनाऊंगी। ओके, तो ये अमेजोन से मैंने लिया था शिवाना का हाईलाइटर भी एक ही है मेरे पास, नॉर्मल ही है प्रोडक्ट मेरे पास, चार छह नहीं है, सिर्फ चार छह अगर आप लोगों को दिखेंगे तो काजल और लाइनर ही दिखेंगे, बाकी सब एक एक ही है मेरे पास। तो कॉम्पैक्ट में मैं ये वाला कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ, जो अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, खत्म हो गया बोल सकते हैं। ये भी मैक का, ये भी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये भी लोकल मार्केट से मैंने लिया था मैक का पाउडर फाउंडेशन। तो ये भी खत्म हो गया है, मुझे ये भी सब नया लेना है, और जब जब लूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी मैं। और एक मैंने लिया था बहुत पहले, ये जो है ना फेस मैजिक पे, ये है, ये बहुत फॉर्म में है, बहुत फॉर्म में था एक टाइम पे, और आज भी बहुत सारे लोग इसको लगाना बहुत पसंद करते हैं, और मैं भी लगाना बहुत पसंद करती थी, बट कैसे ना मेरी स्किन ऑयली है तो ये ना और ज्यादा ऑयली कर देता है मेरी स्किन को, और ज्यादा फेस ऑयल दिखने लग जाता है, इसलिए मैं नहीं लगाती है मैंने, लेकिन लेके रखा है। एकदम कभी एकदम ही ज्यादा ठंडी वगैरह ड्राई स्किन हो जाती है तब मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयली लगता है मुझे, तो ऐसा। और उसके बाद बात आती है, मैंने ना मार्केट गई थी रमजान टाइम पे, तो मैंने ना ये ग्लिटर देखा था, ये ग्लिटर मैंने लिया था और सोचा था कितना अच्छा ग्लिटर है, मैं लूंगी मैं लगाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ना, तो ग्लिटर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है ना ग्लिटर जैसा दिख तो रहा है,
बट जब इस पर मैं उंगली करूँ तो हाथ में ना सिर्फ वैसलिन जैसा लगता है और ना रफ रफ लगता है, मतलब कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, रफ लगता है, थोड़ा ना रफ लगता है, फेस पे लगाने आई पे लगाने जैसा नहीं है। ये देखिए ये लोकल मार्केट का माल है नाम क्या है इसका, ग्लिटर जेल, जेल नहीं है लेकिन ये पूरा रफ रफ सा लगता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं मार्केट में दिख जाए ना सस्ता सा तो प्लीज मत लेना पैसे पर खराब मत करना अपने, ठीक है। मेरे इतने सारे प्रोडक्ट में सिर्फ मेरा पैसा यहीं पे खराब हुआ मुझे ऐसा लगता है, और कहीं मेरा पैसा खराब नहीं हुआ क्योंकि सारी चीजें मैं अच्छे से यूज कर रही हूँ और मैं उसके मजे भी उठा रही हूँ। और रही बात मेरे पास मस्करा, मस्करा मैं ज्यादा लेती नहीं, और मैंने ना 3-4 मस्करे ली थी जिसमें से ना बहुत ज्यादा महंगे महंगे वाले ले ली थी, और वो मस्करे ऐसे थे मेरे आईलैशेस इतनी फोल्ड हो जाती थी और दो दो दिन तक के पानी लगा लो कुछ भी लगा लो मतलब वो निकलता ही नहीं था, सारा मेकअप निकल गया मस्करा नहीं निकलता था, और तब मेरे पास ये मेकअप रिमूवर वगैरह नहीं थे तो इसलिए मैंने उठा के वो जीनत को दे दिए थे। तो मैं ये लोकल मार्केट का ही मस्करा यूज कर रही थी और आज भी मैं यही लगाती हूँ कभी भी, लेकिन आज मैंने ये नहीं लगाया, आज मैंने वो एसक्यू का जो मैंने लाइनर बोला ना मैंने उसी से यू कर लिया। तो अब बात आती है कि मेरे आई शेडो कितने हैं मेरे पास, आई शेडो पैलेट, तो मेरे पास आई शेडो पैलेट है ही नहीं, अभी मैं बोल भी नहीं सकती कि मेरे पास एक है, पता है क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही था जिसकी हालत मेरी बेटी ने ऐसी कर दी कि वो आधा भी नहीं रहा ये देखिए मैं मेकअप करने बैठी थी ना उस दिन, मेरे हस्बैंड ना मुझे मेकअप कर रहे थे, मतलब हम लोगों का चैनल पे वीडियो जाने वाला था माय हस्बैंड डस माय मेकअप, तो उसमें मेरी बेटी ने मेरे मेकअप बॉक्स का हालत कुछ इस तरह का की है, लेकिन अभी भी मैंने दूसरा मेकअप बॉक्स नहीं मेकअप ये आई शेडो पैलेट अभी तक खरीदा नहीं है, बाय तो करना है और करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके शेड तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, 52 शेड का एक पैलेट था मिस रोज का, मिस गोल्ड का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने ये बाय किया था और आज भी मैंने वो ही लगाया थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए फिर ये हो गया आई का, और रही बात अभी थोड़ा सी क्वेश्चन था कि आप ना हेयर के लिए सीरम कौन सा यूज करते हैं, तो देखिए मैं हेयर के लिए अभी तक तो कोई सीरम ली नहीं हूँ, कभी कभार ऐसा है ना महीने दो महीने में कुछ लगाना होता है तो मैं ये लिवॉन वाला लगा लेती हूँ, तो ऐसा है। मैं डेली डेली सीरम यूज नहीं करती, इवन मैंने केराटिन कराया उसके बाद भी मैं सीरम यूज नहीं करती, तो लिवॉन है मैं ये लगाती हूँ, और उसके बाद अगर बचता है कुछ तो ये है मेरे पास नेल पेंट, ये सारे नेल पेंट के कलेक्शन है मेरे पास, बहुत सारे अंदर भी है ये देखिए ये नेल पेंट मैंने सोची नहीं थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिख गया है तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये ग्रीन कलर है शिमरी, ये ब्लू कलर है, ठीक है, और ये सब भी मैंने कलर डिवा से मंगाए थे, कलर डिवा जैसे मैंने लिपस्टिक बताई ना आप लोगों को कलर डिवा की, तो उसी का ही ये है, ये देखिए बता देती हूँ, ना चाहते भी वीडियो इतना लंबा हो गया ना, हाय चलिए कोई नहीं, अभी इतने प्रोडक्ट्स में से आप लोगों को किसकी फुल रिव्यू चाहिए मेरे को जरूर बताना। ये देखिए इतने शेड है, ये नेल पेंट है, नेल पेंट मैं जल्दी लगाती नहीं, देख रहे होंगे आप लोग मेरे नाखून में नेल पेंट इतने सारे होके भी मैं नेल पेंट जल्दी लगाती नहीं, तो नेल पेंट में मेरे पास ये है, और प्लस NYB का ये ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट भी है मेरे पास, NYB का ये। मैं ज्यादा करके अपनी जो शॉपिंग है ना अभी से नहीं बहुत पहले से ज्यादा करके मेरे कॉस्मेटिक की शॉपिंग मैं यहीं से करती हूँ, पर्पल से ही करती हूँ, अच्छे ऑफर मिलते हैं। आप देखते हो मेरी मेकअप किट में हमेशा आपको एक वैसलीन का डब्बा मिलेगा, तो वैसलीन की डिब्बी है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को मेकअप प्रोडक्ट्स बताया अपने, मैं मेकअप में क्या क्या लगाती हूँ और क्या क्या है मेरे पास, इतना ही सामान है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे पास, जब आगे फ्यूचर में कुछ लूंगी तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे पास अभी स्किन केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी, ओके, ये सारा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। तो चलिए फिर ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ बाय करना हो पसंद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।